लक्ष्मी सिनेमा घर में माताओं बहनों को निशुल्क दिखाई गई द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी मूवी देख भावुक हुई लड़कियां। आरून नगर में स्थित लक्ष्मी सिनेमा हॉल पहुंची नगर की माताएं बहनें, सैकड़ों की संख्या में द केरला स्टोरी मूवी देखी। दर्शकों ने कहा है कि वह इस मूवी को देखकर स्तब्ध हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह इसे बनाने वाले फिल्म मेकर की हिम्मत की तारीफ करती हैं कि जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाई और उसका साहस किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता तनुष्का ने कहा कि इस मूवी को देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी और के ऑडिटोरियम में दिखाई जानी चाहिए ताकि वहाँ पढ़ने वाले हर लड़के व लड़की अपने कल्चर को समझ सके और आगे से किसी भी ट्रैप में नहीं फंसे। भाजयुमो की उमा पटवा ने अपने अनुभवों को बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ साझा करते हुए कहा कि एक फिल्म मात्र नहीं है बल्कि वर्तमान में स्थानीय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घातक घटनाओं का स्वरूप है जिसे संवेदनशील तरीके से दिखाए जाने का फिल्म एक सशक्त माध्यम है। आज बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ इस फिल्म को देखने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि ऐसी स्थिति में समाज में बेटियों एवं महिलाओं को बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे मुद्दे पर यदि वह समय रहते जागरूक हो जाएंगी तो वह अपने और समाज को सुरक्षित कर आदर्श राष्ट्र के निर्माण करने में अपना सहयोग दे सकती हैं। उक्त घटनाओं के कारण आज हम बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो रहे हैं। मेरी यही अभिलाषा है कि किशोरियां एवं महिलाएं अपने को मानसिक रूप से मजबूत करें एवं समाज विरोधी घटनाओं से सतर्क रहें। संवाददाता मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। कोई नहीं आ पा रहा तो क्या, क्या नाम है आपका? मेरा तरुष्का ठाकुर है। अच्छा, आप यहाँ पर क्या करने आए थे अभी? हमको यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमा राठौर जी का जिसने हमको ये फिल्म दिखाई और सभी माता बहनों का ये पिक्चर जरूर देखे और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको ये फिल्म दिखाई और हमको जागरूक किया अपने धर्म के प्रति। और सभी से मेरा यही निवेदन है कि लफ्ज़ जिहाद से दूर रहें और जो आज पिक्चर में देखा उससे कुछ सीख लें। क्या लगता है ऐसा इस फिल्म में क्या दर्शाया गया है ऐसा कि ये सब आप देखने आए थे और आप सबसे अपील कर रहे हैं कि ये देखना चाहिए? ये इसके ऊपर है कि अपना लड़कियों का ब्रेन वॉश कराया जाता है लड़कों से जुड़कर, लड़के जो इनका शोषण करते हैं उससे दूर रहें, इस प्रति हमें जागरूक कराया गया और हम सबसे ये प्रार्थना करती हूँ कि सब इससे दूर रहें सब। चलिए धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे इस बारे में, कैसी लगी मूवी? युवा मोर्चा जला पाते अभी यहाँ क्या करने आए थे आप? द केरला स्टोरी फिल्म लगी है, इसको हमारे आरों की जो बहनें हैं माता बहनें उनको दिखाई गई है। और सबसे पहले धन्यवाद हमारे आदरणीय गुना जिले के समाज सेवी श्री प्रेम नारायण राठौर जी जिन्हें हम और आप सब भजन के नाम से जानते हैं, उनका विशेष सहयोग रहा है। उनके माध्यम से फिल्म हमने आरों की माताओं बहनों को दिखाई गई है। इसका एक साफ संदेश है कि जिस प्रकार से भ्रमित करके ब्रेन वॉश करके हमारी माताओं बहनों को लफ जिहाद के लिए उकसाया जाता है, इसके बाद धर्म परिवर्तन करके उनके साथ कई तरह के कृत्य किए जाते हैं, तो हमारा इस फिल्म के माध्यम से और हमारा भी एक ही संदेश है, कृपया अपने सनातन धर्म को न छोड़ें, अपने घर वालों के लिए मान मर्यादा भी बनाए रखें। और जो अन्य जो इस फिल्म का एक भी उदाहरण जाता है कि आसिफा जैसी एक लड़की आती है, वो आपसे दोस्ती करती है, फ्रेंडशिप करती है, पर आपका ब्रेन वॉश करके आपके लिए लफ जिहाद जैसे एक गलत जगह पर धकेल देती है, कि यही हमारा आर उनकी बहन बेटियों से आग्रह। डिज्नीलैंड मेला एवं प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ गुना में किया गया है, जहां आपको मिलेगी ग्वालियर की मशहूर सॉफ्टी, मुंबई की भेलपुरी एवं कोल्ड ड्रिंक। साथ ही यहां पर आप हवाई झूला, मयूरी बोट, ब्रेव डांस झूला, ड्रैगन झूला आदि के मजे ले सकते हैं। वहीं बच्चों के लिए खास तौर से मिक्की माउस भी बुलाए गए हैं। महिलाओं के लिए जहाँ एक और फिरोजाबाद की मशहूर चूड़ियाँ, ज्वेलरी और कटारी तथा हैंडलूम आइटम्स की व्यवस्था की गई है। वहीं बच्चों के लिए ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक खिलौने भी मिलेंगे। इसके साथ ही हर उम्र के व्यक्तियों के लिए यहां मनोरंजन की खास व्यवस्था भी की गई है। पता नोट करें, प्रताप छात्रावास गुना।